कोठारी भ्रातृद्वय समेत राम जन्मभूमि पाई जीवन बलिदान देइथिबा रामभक्तों पाई तैयारी हेब स्मारक। योगी आदित्यनाथ को बड़ घोषणा, समाजवादी पार्टी सरकार कराइथिले हत्या। दीर्घ वर्षर संघर्ष परे एबे अयोध्या रे श्रीराम जन्मभूमि रे प्रभु श्रीरामंकर भव्य मंदिर निर्माण प्रक्रिया आरंभ होई सरछि। हेले जन्मभूमि रे भव्य मंदिर निर्माण काम एते सहज रे होई नाही, वर्ष वर्ष धरि एथिपाई देशर जनसाधारण आंदोलन ओ लढ़ई करछंती। अनेक लोक एथिपाई निजर प्राणबळी मध्य देइछंती। विदेशी आक्रमणकारी मानंक द्वारा ठिया करा जायतिबा दासत्वर प्रतीक को हटाई सेठारे भारतीय स्वाभिमान प्रतीक को ठिया कराइबारे सर्वोच्च बलिदान देइथिबा बलिदानी मानंकर सेठारे एक स्मारक निर्माण करा जिबो। उत्तर प्रदेश रो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जातीय चैनल रे साक्षात्कार देई एहा कहिछंती, राम मंदिर निर्माण पई बलिदान देइथिबा लोकमानक मध्यरे कोलकातार कोठारी भ्राता सामिल अछंती। राम कोठारी और शरद कोठारी नामक एक दुईज भाई को 1990 मसीह कर सेवा समय तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार गुली हत्या करी। दुई भाई राम मंदिर निर्माण पर बलिदान देते परी अनेक रामभक्त बलिदान देते। योगी आदित्यनाथ कहते जे एही समस्त दिव्य आत्मा जोठे थे राम जन्मभूमि भव्य राम मंदिर निर्माण होउथिबा देखुथिबे ओ तांको आत्मा को शांति मिलुथिबो। एभली बलिदानी मानंकर स्मृति रे एक स्मारक मध्य तयारी करा जिवो बोली से कहिछंती। सुनंतु कोन कहुछंती योगी आदित्यनाथ। कोठारी बंधु 1990 में से राम कोठारी और से शरद कोठारी इन दो नौजवानों की हत्या उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार ने गोली मार करके की थी और अयोध्या में लाखों ऐसे राम भक्त शहीद हुए थे राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए। जनसाधारण राम भक्त और छद्म लोकमानक मध्यरे फरक को बुझंती। एही भली लोकमानक जनसाधारण चारिथर क्षमता प्रदान करछि। सबुथर से माने दंगा कराउथिले। डॉक्टर समन्वय नंदन को इनपुट सह ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।